हे गाइस, तो आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज हुई मेरे साथ। तो ऐसा हुआ कि मैं शांति से गाड़ी चला रहा था और अपने पास देखो लाइसेंस आरसी है, गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट सब है, लेकिन दिक्कत एक बात की हो गई। पुलिस वाले को एक्चुअली ऐसा लगा कि मैंने मास्क नहीं पहना। अरे यार, रिक्शा वालों का अलग ही स्वैग है भाई, शहर में रिक्शा वालों का अलग ही स्वैग है। तो ऐसा सीन हुआ कि पुलिस वालों को ऐसा लगा कि मैंने मास्क नहीं पहना है। हाँ, मास्क तो मैंने नहीं पहना था, ये बात तो सही थी उसकी, लेकिन मैं साथ में एक फूड आइटम कंज्यूम कर रहा था और एक मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा था। तो लीगली आप जब भी मास्क निकालते हैं पब्लिक प्लेस में, आप कुछ खा रहे होते हैं या फिर पानी पी रहे होते हैं, तो पुलिस वाला आपका मेमो नहीं काट सकता या फिर आपका चलान नहीं काट सकता, जो कि अभी कोरोना के बाद 500 रुपये जिसका पर पर्सन फाइन लगा है। 2 मिनट रुको, ट्रैफिक के बाद में बताता हूँ। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि उसने मेरे को रोका और उसको लगा मैंने मास्क नहीं पहना, लेकिन मैं फूड आइटम कंज्यूम कर रहा था, वो मेरा मास्क का चलान तो नहीं काट सकता था। और उसके बाद उसने मेरा लाइसेंस मांगा, तो लाइसेंस भी मेरे पास था, तो उसके पास कोई पॉइंट नहीं था कि वो मेरा चलान काट सके। लेकिन अपनी गाड़ी में एक ही दिक्कत है भाई, ब्लैक ग्लास, मतलब पूरे ब्लैक ग्लास नहीं है, जो ग्लास पे फिल्म लगाते हैं लोग वो वाले। लेकिन मैंने जब फिल्म लगाई तो मेरे को याद है कि आरटीओ लीगल और आरटीओ वैलिड फिल्म थी, तो अपने थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट किए, लेकिन फिर भी उसने अपना चलान काट लिया। तब मेरे मन में सवाल आया कि भाई मेरी तरह और भी लोग होंगे जो खुद कंफ्यूज होगे कि भाई मेरी फिल्म लीगल है या मेरा विंडो जो मैंने ब्लैक करवाई गाड़ी में वो लीगल है या नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, लोगों को इंटरेस्ट आएगा, देखेंगे, सीखेंगे, और नेक्स्ट टाइम कम से कम मेरा तो चलान पुलिस वाले ने काट लिया लेकिन मैं आपका चलान काटने नहीं दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कंटिन्यू करिए। उसके बाद मेरे और पुलिस वाले के बीच थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई और उसने मेरा 500 रुपये का चलान काट दिया। तो ऐसा मेरे साथ हुआ और आपके साथ ना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि एक्चुअली लीगल रूल्स क्या और कितने परसेंटेज आपकी कार के फिल्म या फिर कार के ग्लास। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा बाहर दिख रहा है और अंदर से भी पूरा बाहर दिखता है और बाहर से भी पूरा अंदर दिखता है, तो लॉजिकली उतना ब्लैक नहीं है। जो ही पूरा ब्लैक आता है वो ब्लैक नहीं है। मैं आपको गाड़ी बाहर से भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं बाहर से भी अंदर का पूरा नज़ारा दिख रहा है और आरटीओ के रूल्स के मुताबिक ऐसे कांच होने चाहिए जिससे बाहर से अंदर आपको दिखे, और अंदर से बाहर तो दिखता ही है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी उतनी ब्लैक भी नहीं है, और मैंने ये सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि ये मेरी गाड़ी का एक अच्छा लुक एनहांस करते हैं और गाड़ी मेरी अच्छी दिखती है, और मैंने ऊपर का हुड भी ब्लैक रैप करवाया हुआ है। जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं और मैं एलएलबी भी पढ़ता हूं। मेरे को पता है शक्ल से नहीं दिखता है लेकिन पढ़ता हूं, क्या करें अब। तो मैंने रिसर्च की तो मेरे को ये बात पता चली कि जो आगे का ग्लास होता है फ्रंट और पीछे का बैक ग्लास, और पीछे का ग्लास 30% तक परमिशन है आरटीओ के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के सेक्शन 100 के सेकेंड पार्ट में ये क्लियरली मैंशन किया गया हुआ है। आगे और पीछे के ग्लास हमारे 30% तक आप ब्लैक टिंटेड या फिर ब्लैक फिल्म लगवा सकते हो, और साइड में जो दोनों ग्लास हो गए वहाँ पे आप 50% तक लगवा सकते हो। ये तो हो गया रूल लीगल टॉक्स, लेकिन आपको ही पता है ऑन द स्पॉट कैसे प्रूव कर पाओगे कि ये चीज़ एक्चुअली वैलिड है या नहीं और आपके ग्लास लीगली वैलिड है या नहीं। तो उसके लिए अगर आप जहाँ से भी ग्लास लगवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक आईएसओ सर्टिफाइड स्टिकर मिलता है, वो स्टिकर आप अपनी गाड़ी के आगे लगवा दें लेफ्ट साइड पे, तो आप ऑन द स्पॉट पुलिस वाले को ये प्रूफ दे सकते हैं कि आपके ग्लास सिर्फ 30% और अकॉर्डिंग टू ऑल लीगल लॉज सब कुछ लीगल है, तो वो आपका चलान नहीं काट सकता। उसके लिए आपको अमेजोन पे भी स्टिकर मिलते हैं वैसे फिल्म के साथ, और आपको अपने लोकल कार मॉडिफायर है उससे बात करनी पड़ेगी एक बार। तो अगर आपको वीडियो, तो बस इसी वजह से पुलिस वाले ने मेरा चलान काट दिया। अगर आप भी मेरी जगह है तो नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ ध्यान रखिए। मैं भी अभी जब भी क्लास चेंज करवाऊंगा तब स्टिकर के साथ ही चेंज करवाऊंगा और मैं स्टिकर आगे चिपका दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आई, थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक और उस बंदे के साथ शेयर कीजिए जिसका चलन कटा है।